नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और बेसिक से जीरो से हाई तक जाना है हम लोगों को, और जीरो से ही अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग दो क्लास किए हैं अभी तक। ठीक है, दो क्लास किया है जिसमें से एक परसेंटेज को कैसे भिन्न में और भिन्न को कैसे परसेंटेज में लाना है वो बताए हैं, और उस पर आधारित उसको कैसे परसेंटेज को यूज करना है वो चीज हम बताए हैं। आज जो हम बताएंगे परसेंटेज ही, लेकिन लेवल थोड़ा अलग रहेगा, और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे दिन प्रतिदिन नित दिन की तरह। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए क्या होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ मेहनत करने से इंसान सक्सेस होता तो आज कोई भी बेरोजगार नहीं घूमता, इसीलिए आप मेहनत करो, लेकिन आपका डायरेक्शन जो है वो सही दिशा होना चाहिए, वरना आपकी मेहनत सारी सारी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस आप लोग को हम देते हैं। ठीक है, और उसी एक्सपीरियंस पे उसी प्लान के तहत आप लोगों को हम बोलते हैं आप लोग भी काम कीजिए, और ये मेरा गारंटी है, हम आप लोग को लिख के देंगे कि आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितना एग्जाम पे बैठेंगे उतना एग्जाम निकलेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आइए प्लान पे थोड़ा नजर डालते हैं, और जो भी कैंडिडेट पहली बार मेरे वीडियो को विजिट कर रहे हैं वो एक बार एंड तक जरूर देखिए आखिर इसमें हम बताते क्या है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो एक अंगूठा को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ताकि उसका भी मेहनत कहीं गलत दिशा में जाता होगा तो वो कहीं कहीं बच जाएगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलती। ध्यान रखना, मौका भी बार बार नहीं मिलती। पूछो उस कैंडिडेट से जो 2018 के LP एग्जाम में साइड हो गया, भैया CVT 1 तो निकाल लिया, CVT 2 में फेल। काहे फेल? उसका टेक्निकल खराब हो गया। टेक्निकल सही है 100 में फेल, मेरिट ही नहीं बना, मेरिट बन गया साइको में फेल। भैया ये सब का है, काहे होता है ऐसा? उसके पीछे एक ही नतीजा है, एक ही कारण है, बंदा सीरियस हो जाता है। भैया टेक्निकल पढ़ लो, पूरा टेक्निकल पढ़ लो, झाड़ के पढ़ लो, मेरिट वाला तो निकाल ही देंगे। बस टेक्निकल तो निकल गया, मेरिट निकाल ही देंगे, जैसे कहा तैसे गया। दूसरा बात, जो बंदा मेरिट में अच्छा खासा कर रहा है टेक्निकल पर, तो टेक्निकल में परसेंट नंबर थोड़ी जुटेगा, क्वालिफाई तो करना है, इतना नंबर तो ऐसे ला लेंगे। बस ऐसे में चला गया, वो बह गया पानी के तरह, ऐसा हुआ खेल। साइको को भी इजली लिया, बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा है साइको को भी इजली देख लिया, भाई साइको अच्छा ये होता है साइको, दो ये तो हम अपने से कर लेंगे, ये तो आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, मतलब फालतू समझा। तो भैया आपको वैसा नहीं करना, आपका जो होना चाहिए स्ट्रेटजी वो ऐसा होना चाहिए ताकि प्रत्येक पेपर को, प्रत्येक एग्जाम को आप क्रैक कर सकें। तो आइए इस प्लान को थोड़ा एक नजर डालिए इस प्लान के ऊपर। ठीक है, देखो स्टडी प्लान, ठीक है, मात इसको कितना दिन करना है हम सारा चीज बताएंगे, इसमें कैसे क्या करना है नहीं करना है। भैया मेरे ऊपर छोड़ दो, सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ दो, आप लगन से करो स्टडी, हम जैसा बताते हैं आप लगन से करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे। और ये हम YouTube पे आकर के अगर ओपन बोल रहे हैं ना, ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं, आप इस पर काम करो, आपका नंबर ग्रो नहीं होगा तब हमको बोलना। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक डाल देंगे, उस पर हमको गाली देना कॉल करके, समझ गए ना, लेकिन ईमानदारी के साथ कम करना पड़ेगा। हाँ हम भी उतने हैं पक्का, आपको ईमानदारी के साथ कम करवाएंगे, हम देखेंगे आप क्या काम किया है नहीं किया है। ठीक ना, देखो हमारी दिनचर्या मंडे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहां पे हमारा लास्ट होता है। ठीक है, द एंड, यहां पे हमारा एंड होता है। भैया मंडे को क्या करना है, GK पढ़ना है, GS पढ़ना है, करंट पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, GK में सारे ऑल पेपर पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल, विभेद, GK में जितना आ गया भैया सारा पढ़ना है।
जीएस में भी बता ही दिए सारा पढ़ना है। इसके लिए एक टाइम टेबल टाइम फिक्स किया जाएगा, ठीक है। आप पढ़ लेना फिजिक्स, पढ़ लेना फिजिक्स, पढ़ लेना 30 मिनट्स, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ लेना 30 मिनट, सब पे आप अपने अनुसार एक टाइम फिक्स कर देना। बात को ध्यान से सुनना, ठीक ना। पहले को हम बताते हैं मैथ, मैथ में आप अगर ज्यादा वीक हैं तो 1 से 2 घंटा देना, मैथ ओनली 1 से 2 आवर्स। रीजनिंग में ज्यादा नहीं देना भैया मेरे, 30 से 45 मिनट देना। रीजनिंग में ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, मात्र 30 से 45 मिनट दे देना काफी है, ठीक है। 30 से 45 मिनट दे देना रीजनिंग में, 2 घंटा दे देना इसमें, चलो 3 घंटा यहाँ पर गायब कर दिया है आपने, 3 घंटा गायब कर दिए भैया। अभी भी 5 घंटा बच रहा है, 8 घंटा तो पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके आगे में एग्जाम है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप पढ़ना ही छोड़ दो। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अलग बात है। ऐसे अगर आप रूम पे बैठे हैं रोटी तोड़ रहे हैं तो रोटी तोड़िए, लेकिन रोटी को पचाना कहाँ है, यहाँ पचाना है, ठीक है। और देखो 3 घंटा निकल गया, 5 घंटा बचना है, 5 घंटा कहाँ जाएगा भैया मेरे। ये 5 घंटा आएगा इसमें जीके में, जीएस में और करंट में। करंट को क्या करना है, करंट को मॉर्निंग टाइम जैसे सो के जगते हैं आप फ्रेश होके, मॉर्निंग टाइम जैसे पेपर पढ़ते हैं वैसे करंट पढ़ देना। बोलो भैया करंट कौन सा पढ़ूं मैं, करंट भैया ये पढ़ना आपको 1 मंथ का जो आता है, 1 मंथ का जो आता है आपका पर मंथ, पीडी ले लेना आप, एक पीडी को जरूर पढ़ना, और उसको एक के दिन में नहीं पढ़ना, उसमें भी आपको फिक्स करना है इतने सब पढ़ना है आपको, क्योंकि ये आपको 1 मंथ तक पढ़ना है, 1 मंथ लास्ट तक खत्म होना है, ठीक ना। तो थोड़ा उसमें फिक्स कर देना कि इतना इतना करेंगे, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर अगले 10 दिन में रिविजन हो जाएगा, फिर भी 10 दिन बच रहा है, 10 दिन में बाद और रिविजन कर लेंगे, ऐसे आपको फिक्स करना है, ठीक ना। ये और वार्षिकांक भी पढ़ना है। वार्षिकांक कब पढ़ेंगे, तो भैया वार्षिकांक तब पढ़ना है, इसको पढ़ के एक बार उस पर भी नजर दौड़ा देना, ठीक है। इसको पढ़ के एक बार वार्षिकांक पे भी नजर दौड़ा देना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, करंट को 1 घंटा पढ़ना है, तो 1 घंटा भैया इसमें नहीं लगेगा आपको, छोटा छोटा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 1 मंथ तक पढ़ना है, इसमें थोड़ा समय देना, 30 मिनट दे देना आप, 30 मिनट दे देना इसमें, 30 मिनट नहीं देना भैया, थोड़ा कमे कोशिश करना, ठीक है, 20 मिनट देना, 25 मिनट देना, बाकी जो समय बचेगा ना 1 घंटा के अंदर जो समय बच रहा है ना वो वार्षिकांक पे डाल देना, बाकी करंट का बाप माई बाप जो बनना है बन जाओगे, ठीक ना। ये होगा करंट की बात। अब देखो करंट में चला गया 1 घंटा, हो गया कितना 4 घंटा, अभी भी बच रहा है 4 घंटा आपके पास, 4 घंटा भैया आप जीके जीएस पे डाल दियो, जीके जीएस पे डाल दियो भैया, इजली में मत लियो, इसको हल्के में मत लियो, नहीं तो आपको फिर डुबा देगा, इसलिए थोड़ा सा इस पे बढ़िया से 4 घंटा काम करियो इसके ऊपर। और यही चीज, यही दिनचर्या हमको ट्यूसडे को भी करना है, वेडनेसडे को भी करना है, थर्सडे को भी करना है, फ्राइडे को भी करना है, सैटरडे को भी करना है। अब भैया बताओ संडे को मैं क्या करूंगा, भाई संडे को आपको ये करना है, संडे को ध्यान देना, ये सब जो आपने पढ़ लिया यहां से यहां तक सैटरडे तक, भैया अब तो इतना पढ़ लिया है, थोड़ा हमको पता भी तो चले हमारी कि हमारे दिमाग में कितना रहा और कितना चला गया, ये तो पता चले। तो कैसे पता चलेगा ये चीज, चलो आप सपोज दैट घर से तैयारी कर रहे हो, भाई कैसे पता चलेगा, बाहर जाता है स्टूडेंट या फिर आप कोचिंग जाते हैं तो वहां पर चलो मास्टर उड़ रहे बताओ नहीं पता नहीं देता था, लेकिन जब आप घर में खुद से पढ़ रहे हैं वहां तो आप मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल से तो हम आपको मार नहीं सकते, मार सकते हैं क्या, नहीं ना। तो आपको खुद से खुद का औकात नापना है, हल्के में मत लियो इसको, संडे को हल्के मत लियो, यहां पे भैया रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है, आपने जो यहां से लेके यहां तक पढ़ाई किया ओवरऑल सब्जेक्ट, संडे को आराम से बैठ जाना, आराम से उस दिन कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़े आप यहां से लेके यहां तक उस दिन रिवीजन कर लियो आप, ठीक है, इस दिन जरूर रिवीजन करियो संडे को, वही चीज जो पढ़े हैं आगे मत बढ़ियो भैया, ठीक ना, रिवीजन करियो। यहां क्या होगा, जो याद है तो याद है, डबल हो गया भाई, अब तो वो कॉन्फिडेंस हो गया आपका, जो भूल गए थे
वो भी आपका हो जाएगा फिर से, कब? संडे को। ये है। और एक चीज, जब आप ये दिन भर पढ़ेंगे, शाम में एक टेस्ट जरूर लगाइयो, शाम में एक टेस्ट जरूर लगाइयो। इससे क्या होगा कि आप जो दिन भर पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चन इससे इसमें भी लड़ेगा आपका। देखो एक बार, यहां पर रिवीजन हो गया मेरा, यहां जो क्वेश्चन पढ़े थे यहां पर रिवीजन हो गया मेरा, जो नहीं आया इसमें से यहां कुछ नया क्वेश्चन देख लिए हम। इस तरह क्वेश्चन को घेरना है, जब आप उसको घेर लेंगे ना, तब उसको कुछ देना है एग्जाम में, ऐसे 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 लो 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 लो, ये ऐसे एग्जाम निकलता है, ठीक ना। देखो जीके जीएस का अगर आप लुसेंट को कभी खत्म नहीं किया है, सब्जेक्टिव लुसेंट जो लिखा आता है, अगर खत्म नहीं किया ना, उसको जरूर खत्म करना आप। और अगर इस फॉर्मूले पे काम करोगे ना, तो 3 महीने में 2 बार खत्म हो जाएगी, 3 महीने में 2 बार, ध्यान रखियो, ठीक ना। तो भैया यहाँ पर आप टेस्ट जरूर लगाइयो, और टेस्ट लगा करके छोड़ियो मत, एक दिन में एक ही टेस्ट लगाइयो। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक दिन में एक ही टेस्ट लगाना है भैया, और टेस्ट लगा के छोड़ना नहीं है। क्या करना है? करना ये है कि आपको इसका एनालिसिस करना है, ठीक है, इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या होता है? ये होता है भैया, जैसे कि एक नंबर क्वेश्चन में अगर कोई मैथ है, तो चलो आप बना लिया तो बना लिया, नहीं बन पाया तो उसका पीछे चल जाना, थोड़ा सा देख लियो कैसे बना है। 2 नंबर क्वेश्चन में करंट है, करंट पढ़ लियो, बन गया तो ठीक है, नहीं बना भी है तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। क्या करना आपको? पीछे जाइयो, पीछे में देखना उसका, उससे रिलेटेड और 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको, हाँ उसको आराम से पढ़ियो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, जो आपको याद नहीं रहता है, उसको क्या करना? अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना। जब नेक्स्ट डे दूसरा टेस्ट लगाओगे आप, तो उस टाइम क्या करना आपको, लगाने से पहले जो अंडरलाइन किया आप, उस पर एक बार नजर जरूर डालियो। बोलता है ना, बार बार किसी के ऊपर आप जब नजर डालते हैं, काहे डालते हैं भैया, वो आपको पसंद आ रहा है तभी तो डाल रहे हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, वो आपका हो जाता है। वैसा ही कम करना, वही फार्मूला अपनाना है, उस पर रोज एक नजर डालना है, 1 सप्ताह डालो ना, देखो ना वो आप ही का हो जाएगा, फिर आपसे जाएगा ही नहीं आपको छोड़ के। हाँ ये कम करना भैया यहाँ पे, और ये काम रोज करना है, वो रोज करना, रोज करना, रोज करना। लेकिन 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 रुक जाओ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, संडे संडे ब्रेक, नो टेस्ट संडे, नो टेस्ट नो टेस्ट नो टेस्ट। संडे को टेस्ट लगाओगे तो डेंजर बन जाओगे फिर तुम, ठीक ना। क्यों नहीं लगाओगे? देखो रिवीजन, संडे को क्या रखे रिवीजन, ये जो आप पढ़ लिए इतना दिन, ये सारे सारे एक दिन रिवीजन होगा, ठीक है। तो संडे को भैया क्या करना? रिवीजन करना, ठीक ना। ऐसे पढ़ाई करो, ओनली 60 डेज में खुद को पावरफुल बनाओ, सुपरमैन बन जाओ, जिस एग्जाम पे बैठो उसी एग्जाम को निकालो। ओनली 60 डेज कर लो भैया, आपका लुसेंट 2 बार खत्म हो जाएगा, कम से कम 2 बार जरूर खत्म होगा, 2.5 से 3 महीना बेसिस बेसिस लगता है, अगर ढंग से पढ़ लेंगे, अगर थोड़ा सीरियस होकर के 2 महीना लगेगा, ठीक है। लुसेंट पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, और जीके का रिमाइंडर से बुक आता है, यूनिक बुक आता है, ये सारे बुक पढ़ो, 2 महीना के अंदर में सारे सारे बुक खत्म हो जाएगा, बेसी बेसी 2.5 महीना जाएगा, सीरियस होकर पढ़ोगे 2 महीना जाएगा, और 2 महीना में खत्म हो जाएगा भैया, और इतना आप मजबूत हो जाएंगे कि मतलब उसका जवाब ही नहीं है मेरे पास, ठीक ना। तो इस फॉर्मूले पे काम करो, और चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और कैसे उस पर हमको काम करना है, ठीक है। तो भैया देख लो, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, लेकिन हमको तो भैया कॉपी पे आया है, तो मैं कॉपी पे पढ़ता हूं, जरा आप स्क्रीन पे पढ़ लेना। कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है, ठीक है। तो भैया मैं ऐसे सवाल को बनाने से पहले एक बार थोड़ा सा बता दूं मैं कि जैसे 20% का मतलब क्या होता है, बोलेंगे 1/5, बोलेगा 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। भैया हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो नीचे का वैल्यू होता है, ये जो नीचे का वैल्यू होता है, ये ओरिजिनल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। इसमें नो चेंजेज, वास्तविक संख्या नो चेंजेज, और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कोई बोलेगा 4 में से 1 कम किया, तो कितना नहीं किया इसको घटा दो, कितना घट, 4 में से जाएगा 3,
तीन काम नहीं किया, देखो तीन और एक जोड़ो चार आया, बोलेगा पांच काम किया, ठीक है। तो सॉरी टोटल जो वास्तविक संख्या है ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, फाइव है मेरा, इसमें क्या है ये ओरिजिनल नंबर है, तो ऊपर क्या है वन है, तो कितना काम कर रहा है, बोलेगा वन काम कर रहा है, वन कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, तो कितना नहीं कर रहा है, तो इसमें घटाओ पांच में से एक घटाओ, कितना आया चार आया, कितना आया चार आया, तो चार नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, समझ रहे ना। बोलेगा क्या, राम अपने वेतन का 60% बचत करता है, तो खपत कितना करता है 40%, अब बोल सकते हैं 60% बचत करता है। हाँ अरे भैया, भीड़ में जब लेके चलते हो, भीड़ में जब ले चलते हैं हम, भीड़ का बात करते हैं, तो उसमें वन आता है, जब परसेंटेज की बात आता है तो उसमें 100% आता है, क्योंकि 100% का मतलब होता है 100/100 कट के आ गया हुआ, तो इसको हम भिन्न यूज करते हैं और परसेंटेज में हम 100% को यूज करते हैं, तो भैया हम परसेंटेज को भिन्न में बदल दिए, तो भिन्न में हम 1 को लेके चलते हैं और परसेंटेज में हम 100 को लेके चलते हैं। तो बोलेगा राम ने अपने वेतन का 60% बचत किया, भैया खपत कितना किया छोड़ो हम नहीं जानते, भैया 60% का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं 60% का मतलब होता है 3/5, भैया ये क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, बचत कर रहा है, तो खपत कितना कर रहा है भैया, खपत कितना कर रहा है, खपत तो ना, खपत कितना कर रहा है, अभी हम क्या बोले इसमें से घटा दो, देखो 5/3 जाएगा कितना 2/5, ये तो खपत कर रहा है, ये तो ओरिजिनल नंबर है, ये तो नीचे आएगा ही, अब देखो 3/5 प्लस 2/5 जोड़ दो, देखो नीचे 5 है एलसीएम सेम आएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा 5, कट के आया 1 आया, या फिर आप ऐसे नहीं जानते, चलो आओ देखो बचत कर रहा है 60%, तो खपत कितना कर रहा है, खपत तो खपत कितना कर रहा है 40%, आप देखो इसको भिन्न में लाओ, 20 × 40 जैसे आया 2/5, तो भैया हम इतना क्यों करें, जब हम जान रहे हैं यही चीज होता है, ये ओरिजिनल नंबर होता है, ऊपर अगर खपत है तो हम बचत निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो आ गया 2/5, यही तो खपत कर रहा है मेरा, आपको क्लियर समझना। चलो आओ अब आते हैं सवाल पे, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, देखो 80% का मतलब क्या बोलेंगे आप, 4/5, हाँ इतना तो बोल सकते हैं, 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या होता है, तो भैया 80% में जब 80 जोड़ेंगे, लेकिन इसमें आप नहीं जोड़ सकते हैं, कह रहा है किसी संख्या के 80%, मतलब भैया संख्या को दिया नहीं है, चलो संख्या क्या मानेंगे हम, क्या बोले ये ओरिजिनल नंबर होता है, चलो हम इसी को मान लेते हैं संख्या, यानी 5 को ही मान लेते हैं संख्या, लेकिन भैया हम 5 के साथ एक्स डाल देते हैं, ये हो गया मेरा संख्या, ठीक है, ये हो गया संख्या, ठीक है। अब इसका किसी संख्या के 80%, यानी 5x के 80%, मतलब गुणा में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या ही होता है, संख्या क्या है 5x, 5x कर दो, देखो ये 5 कट गया, यहां क्या बचा 4x, 4x और इधर क्या बचा प्लस 80 बराबर क्या बचा 5x, इसको इधर करोगे तो घट के x बचेगा बराबर 80, लेकिन कह रहा है क्या, तो संख्या क्या है, संख्या क्या माने हम 5x, x का वैल्यू 80, तो इस जगह रख दो भैया 5 × 80 बराबर हो जाएगा 400, ये हुआ मेरा फाइनल आंसर, समझ में आया नहीं आया, चलो आप एक नजर और डालते हैं, देखो चलो हम 5x नहीं मानते हैं, हम चलो x मानते हैं, संख्या मान लिए हम x, ठीक है। अब कह रहे हैं किसी संख्या के 80%, यानी x का 80%, मतलब 4/5 में अगर 80 जोड़ता है तो प्राप्त परिणाम क्या होता है, संख्या होता है, संख्या क्या है x है, ठीक है। अब देखो करो इसको 4x हो जाएगा 5 प्लस 80 बराबर x, चलो इसको उधर ले जाओ घट जाएगा, 80 को इधर ले रहने दो, x माइनस 4x/5, वाह देखो 5x माइनस 4x, x होगा 5 बराबर 80, ठीक है, कर लेना ये, इसको इसे कर लो, देखो 400 x बराबर कितना आ गया 400 आया भैया, 400 आया, 400 आया, संख्या आ गया, संख्या हमने x माना था, x का वैल्यू आ गया 400 और संख्या यहां 5x माने थे तो x का वैल्यू 80 आया था, तो 5 × 80 करेंगे 400 आएगा। देखो भैया कि यहां पर मेरा दो लाइन में सवाल बन गया, तीन लाइन में, और देखो यहां पर कितना लाइन गया, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, तो भैया हम इसको क्यों ना अपनाए, इसमें क्यों जाए, आपको छोटा रास्ता पसंद है कि बड़ा रास्ता, वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, ठीक है। आओ दूसरा सवाल देखते हैं,
देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.23% खर्च करके 1200 रुपया मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक मासिक खर्च क्या है भैया? खर्च करके ना 1200 रुपया बचत करता है। 66.23% का मतलब क्या? 2/3, क्या 2/3, इतना खर्च करके 1200 बचत करता है, यानी कि खर्च कितना कर रहा है? 2 कर रहा है, ये खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है भैया? 2 में से 3 में से 2 घटा दो ना, 1/3, 1/3 क्या कर रहा है? बचत कर रहा है, और बचत बराबर दिया कितना है बोलेंगे 1200 दिया है बचत, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भैया? देखो 1 यूनिट का वैल्यू इसको इधर कर दो, आ गया 3600। ये भैया मेरा 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 3600। हम क्या बोले, भिन्न में लेके चलेंगे तो 1 लेके चलेंगे, और परसेंटेज में लेके चलेंगे तो 100%। तो ये कलम बोलेंगे अपने आप में कितना परसेंट? 100%। बोलेंगे भिन्न में कितना है? 1 है, तो भैया 1 का वैल्यू 3600 चल गया, यानी कि वो 3600 रुपया उसका कमाई है। आप देखो परवा आगे क्या कर रहा है, कर रहा है तो उसका मासिक खर्च क्या है भैया? खर्च कर कितना रहा है? 2/3 कर रहा है, कर दो 2/3, 2/3 कर दो, 3 से कटा दो 1200, 12 × 2 करोगे तो 2400 भैया फाइनल आंसर। ये देखो इसमें नो झंझट, अगर आपको ये आता है कि इतना होता है तो हमको ये निकाल लिए, ये कटकुट करने के इतना जरूरत नहीं, सीधा हमको दिख रहा है 1236 / 2400 आंसर, फाइनल मार दो, ऑप्शन को क्लिक कर दो, उड़ा दो, जो करेगा कर दो, लेकिन आंसर क्लिक होना चाहिए, ऐसे बनाओ सवाल तब जाके निकलेगा एग्जाम। देखो कह रहा है सी की आय 20% अधिक है, पहले 20% का भैया मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। फिर कह रहा है बी की आय ए से 25% अधिक है, 25% का मतलब होता है भैया 1/4, नो डाउट। अब सवाल पढ़ो क्या कह रहा है, सी की आय 20% से 20% अधिक है, किससे? बी से, हम क्या बोले थे? जिससे तुलना उसको नीचे, बी से यानी कि बी का जो वैल्यू है वो कितना है? 5 है। बी का जो वैल्यू है वो कितना है? बी का जो वैल्यू है वो कितना है? 5 है, समझ रहे हो ना? कह रहा है सी की आय ना 20 से अधिक है, तो भैया सी की आय बताओ क्या होगा? अधिक है ना, कितना अधिक है? 5 + 1 कितना हो जाएगा? जोड़ दो, यानी कि सी की आय 6 है। बात को गौर से देखना, सी की आय 6 है, नहीं समझे? 20% अधिक है, बी सी की आय बी से 20% अधिक है, बी से जिससे तुलना वो नीचे, तो बी भैया हो गया 5, अधिक है जोड़ दो 5 और ऊपर का वैल्यू जोड़ दो, कितना हो गया? 6, यानी सी जो है वो 6 है, ठीक ना? देखो इसको साबित करेगा तो कर लो रे भैया, घटा दो 5 में 1 जाएगा 5 में 6 जाएगा, कितना जाएगा? 1। अधिक जब बोलता है तो इस कम वाले से भाग दो, जब अधिक का बात करेगा तो कम वाले से भाग दो, कम 20 से भाग दो, सी अधिक है ना तो 20 से भाग दो, देखो इनटू 100 करो, परसेंटेज 100% कर दो, देखो 20% आया आया भैया। हम क्यों ये सब करवाते हैं आपको, हम समझाना चाहते हैं, सीधा सीधा समझो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आओ देखो अब आगे पढ़ो क्या कर रहा है, कह रहा है बी की आय ए से 25% अधिक है, बी की आय ए से किससे? ए से, तो ए कितना है? 4। ये कितना है? 4। किसका अधिक है भैया? बी की आय, जोड़ दो ना इसको, तो बी कितना हो गया भैया? 5। कितना हो गया? 5। अब बोलेंगे भैया ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, अब कर लो ए बी सी, कर लो ए बी सी, ठीक है? ए बी कितना है भैया? 4, 5। बी सी कितना है भैया? 5, 6, 5, 6 कर दो, यहां पे एक अंक छोड़ के कर लिखना होता है, ठीक है? यहां पे भी एक अंक छोड़ के लिखना होता है, ठीक ना? इसको इसके नीचे नहीं डालेंगे, इसके नीचे डालना है, और यहां पे इसको छोड़ देना है, ये तो इधर हो ही गया, ए बी सी निकालना, ये खाली रह जाएगा, 6 को यहां करना है, उसके बाद इससे इसको मल्टीपल कर दो 20 आ जाएगा, इससे इसको कर दो 25 आ जाएगा, हाँ, और फिर इसको भी इससे कर दो, समझ रहे हो ना? इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, और इसको एक बार इससे करना है, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, क्लियर समझे? 4 को 5 से 5 को एक बार 4 से करना है फिर 5 को एक बार 5 से करना है, ठीक ना? एक बार 6 को 5 से करना है, ये जब हम रेशियो बताएंगे उस टाइम भी बताएंगे, ठीक ना? अभी देखो फिर से इसको कटाओ, 5 + 20 = 25 + 5 = 30, कट गया सब में, 5 को मतलब निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सी की आय से कितना परसेंट अधिक है? सी की आय, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी की आय ए से कितना अधिक हो रहा है? पहले ये देखो 2 अधिक हो रहा है, जब भैया 2 अधिक हो रहा है,
ए से, तो ए से जिससे तुलना वो नीचे आ गया, कटा दो कट गया दो आ गया, दो से इसको कटा दो 50%, भैया 50% अधिक है, क्या टेंशन है इसमें बताओ, कुछ है क्या? हाँ क्या आदमी हो यार, आप लोग समझते ही नहीं, हम समझाना क्या चाहते हैं आप लोगों से। देखो आगे क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है, 40% का मतलब 2/5 किससे अधिक है, बी से, तो बी कितना हो गया 5, कौन अधिक है भैया, ए अधिक है, ए कितना हो जाएगा, जोड़ दो ना भैया 5 × 2 = 7। आगे पढ़ो, कह रहा है और बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है, ये कह रहा है 20% का मतलब 1/5 किससे, सी से, तो सी कितना हो गया भैया, बोलेंगे 5, सी नीचे हो गया भैया, सी 5, कह रहा है बी जो है सी से 5% कम है, तो भैया बी कितना हो गया, कम कर दो ना इसको 5 में, एक जाएगा घटा दो 4, अब कर लो, कह रहा है ए रेशियो सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा, देखो जब ऐसे सवाल आए ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए बटे बी करो गुना बी बटा सी करो, देखो बी बी कट जाएगा और यहां पर करो, सॉरी इसको अभी रहने दो, इसको कुछ मत करो नहीं तो फिर बोलेंगे समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो ए बटा बी, ए पाला इसमें क्या निकला, ए बी मेरा, फिर यहां पर सी बी क्या निकला, पहले ए बी क्या निकला, ए बटा बी किया ना, तो ए बटा बी करो 7/5 करो, ठीक है, गुना गुना किया ना, गुना बी बटा सी किया ना, बी बटा सी करो, यानी 4/5 करो, 4/5, देखो सच्चों का 28, देखो बी बी कट गया, क्या आया ए सी, हाँ सच्चों का 28/25, अब ए सी लिखो या ए अनुपात सी लिखो, बराबर 28/25 लिखो, अब ऐसे बनाओ या इसी को फिर अभी जो हम फॉर्म बदले किए थे ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे करो, देखो ए कितना था मेरा 7, बी कितना था मेरा 5, फिर बी कितना था मेरा 4, सी कितना था मेरा 5, भैया कटा दो गुना कर दो इसको, 4 से गुना करो 7, 24 = 28, 4 से करो 5, 4×5 = 20, 4 × 5 से करो 5, 5×5 = 25, देखो ए सी पूछा था ना, ए बी सी हमसे ए सी पूछा था ना, तो 28/25, देखो 28/25 आया, देखो यहां पर शुरू वाला और लास्ट वाला जब पूछे तो आप ऐसे ही निकालना, बीच वाला वैल्यू कट जाता है, आप इसमें मत जाना, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है और इसमें नहीं करना पड़ता है ज्यादा, ठीक है। चलो एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग, लास्ट सवाल, कह रहा है एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, भैया 70% का मतलब क्या होता है, पहले आप लिख तो लो, लिख तो लो 70% का मतलब होता है क्या है, 70% का मतलब होता है 7/10, आप ये बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 10 है, लड़कियां हैं यानी कि 7 लड़कियां हैं, तो लड़का कितना रे भैया, लड़का 3/10 है, ये लड़कियां हैं यानी कि गर्ल है, ये लड़का है यानी बॉय है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 10 है, देखो 7 × 3 = 10 हो रहा है, 7 गर्ल 3 लड़की, समझ रहे हो ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 10 है, मैं मिटा दूं इसको, मिटा दूं, ओके। देखो आगे पढ़ो क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 510, यानी कि 3 का लड़कों का संख्या ना, लड़का कितना भैया 3, 3 का वैल्यू कितना दिया है 510, इसको कटाओ देखो 3 से कटा दो 7 दिया है काबा, यानी कि 7 इतना हो गया, तो कह रहे विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना, ये कह रहा है भैया कुल कितने विद्यार्थी है, तो कुल विद्यार्थी संख्या कितना है 10, 10 से गुणा कर दो 1710 को, कितना आ गया 1700 आ गया, ये सब सवाल पे ना एक्चुअली कलम चलने की जरूरत ही नहीं है, 70% लड़की है भैया, 7/10 यानी 7 लड़की है, तो लड़का कितना है 3/10, हाँ 3 लड़का है उसमें, लड़का का वैल्यू कितना दिया है 510, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 510, तो 1 यूनिट का वैल्यू 70 × 51 यानी 170, तो भैया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है 10, 10 से इसको मल्टीपल कर दो तो आ जाएगा 1700, ऐसे बनाओ, और भैया जैसा कि बोले अब मेरे फार्मूला मेरे मेथड पे काम करो, अब दौड़ोगे नहीं बल्कि उड़ोगे हवा में, सो सो करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना, और यहां तक रहने देते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आ रहे दबा के एकदम लाइक कीजिए और दबा के एकदम भेज दीजिए, मिसाइल के तरह जैसे अभी यूक्रेन में गिर रहा है ऐसा उछालिए कि पूरा इंडिया में वीडियो फैल जाए, ठीक ना, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, खाइए पीजिए सोइए लेकिन पढ़िएगा जरूर, ठीक ना।